इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। आज सुबह 8 बजे स्टेट बैंक चांदपुर की शाखा में अचानक शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई, जिसके चलते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना पाते ही बैंक के समस्त अधिकारी वहां पहुंच गए और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों द्वारा आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल अभी आंकड़ा नहीं लगाया गया है कि आग से कितना नुकसान हुआ। आग की सूचना पाते ही पुलिस व दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। मैनेजर साहब, जो बैंक में हादसा हुआ है, क्या है पूरा मामला? आज सुबह मुझे 8:20 पर ये सूचना प्राप्त हुई बैंक के पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों से और हमारे ब्रांच के एक स्टाफ से कि ब्रांच में आग की घटना हुई है। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई वैसे ही 8:25 पे मैं ब्रांच में पहुंच गया और फायर ब्रिगेड की टीम को इन्फॉर्म किया गया। फायर ब्रिगेड की टीम हमारी 10 मिनट के अंदर ब्रांच प्रीमाइसेस के पास पहुंच गई और उनका पूरा सेटअप के साथ उन्होंने जो है फायर को आपको काबू में करना शुरू कर दिया। मेरा बैंक में कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान का भी आकलन नहीं है, फायर की नुकसान का भी आकलन हो रहा है और जैसे ही संपूर्ण क्षति की जानकारी प्राप्त होगी वैसे ही आपके साथ साझा की जाएगी। मैंने जैसे बैंक में करेंसी रहती है तो क्या करेंसी में क्षतिग्रस्त हुई है क्या? नहीं, करेंसी में किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं है। मेरे साहब, आप ग्राहकों से कुछ अपील करना चाहेंगे? भारतीय स्टेट बैंक चांदपुर शाखा के सभी ग्राहकों से मेरा निवेदन है और एक आश्वासन है कि किसी भी प्रकार का उनके जान माल से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है और ब्रांच में जो हमारी आपातकालीन सेवाएं हैं वो हमारी भारतीय स्टेट बैंक सियाओ ब्रांच से भविष्य में अभी अगले जब तक हमारा सुचारू रूप से चलने लायक नहीं हो जाता है तब तक सभी ग्राहक हमारे भारतीय स्टेट बैंक सियाओ शाखा से अपने खाते का संचालन कर सकते हैं। धन्यवाद। लॉकर जो धारक हैं उनसे मेरा निवेदन है और उनसे आश्वासन है कि लॉकर की समस्त सेवाएं सुचारू रूप से संचालित रहेंगी और उनको लॉकर ऑपरेट करने में किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं आने पाएगी। धन्यवाद। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।